किसी तरह की कोई प्रलोभन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने कभी जमीन का सौदा नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे बायसी के विधायक रुकनुद्दीन साहब हैं और हमारे साथ चल रहे रब्बानी भाई मजहरुल हसन साहब, पुठिया से भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम नहीं लेते हुए तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ में आए हुए हैं। सदस्यता ग्रहण करने के लोग भी आए हैं। मैं तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और जितने भी यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या पोर्टल के मीडिया के हो, तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक सवाल किया कि क्या नौबत आ गई कि आज आपने MIM छोड़ करके राजद ज्वाइन किया। आज जो देश के हालात है, देश के हालात को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, हमने अपने क्षेत्र के तमाम जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, हमारी जनता हैं, हमारे साथ में चल रहे लोग हैं, तमाम लोगों से मैंने जब मशवरा किया तो सब लोगों की एक राय आई कि आप राजद ज्वाइन कीजिए और राजद में ही यहाँ की भलाई हो सकती है, सीमांचल की भलाई हो सकती है। सीमांचल की भलाई के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए आज हम राजद ज्वाइन किए हैं। सीमांचल में जो आप लोग बोल रहे हैं कि सीमांचल को पहचान दिलाने वाले पहला विधायक हम हैं, लेकिन जो MIM के लोग हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हों या जितने भी MIM के लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये वोट जो है MIM के वजह से मिला, हम लोगों के वजह से मिला। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किशनगंज आए थे, सीमांचल में आए थे और सीमांचल में आकर के कुछ ऐसे ऐसे बात बोल करके चले गए जो उनके मुंह से शोभा नहीं दे रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं दे रहा था। उन्होंने आकर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, आप लोगों को याद होगा एक बात, 2019 में एक संघर्ष समिति, यहाँ पर पुल निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ा मैंने ये किया गया था, यहाँ पर खरखड़ी में एक किया गया था धरना प्रदर्शन। उस धरना प्रदर्शन का फल क्या मिला? 2019 में वो धरना प्रदर्शन किए, 2019 के बाद 2020 गया, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, अब 20 के बाद 21 गया, 22 गया, 23 गया, अब सीमांचल याद आया है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को या अख्तरुल ईमान साहब को, इन लोगों को अब सीमांचल याद आया है कि सीमांचल में फिर जाना है, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक घुटना पानी में ले जा करके दौड़ा दिया, एक घुटना पानी में, आप लोगों के न्यूज़ में चला था कि एक घुटना पानी में चल रहे हैं। भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उसे एक घुटना पानी में, चाहे वो खरखड़ी के लोग हों, चाहे वो खारुदो के लोग हों, चाहे वो बारोमनी के लोग हों, उन लोगों को तो डेली आए दिन सुबह शाम चलना पड़ता है। फर्क इतना है कि वो अपने साथ में मीडिया को लेकर के एक घुटना पानी में चले गए और लोगों को दिखा दिया, देश और दुनिया को दिखाया कि मैं यहाँ के लिए काम कर रहा हूँ, इस सीमांचल के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन हम और हमारे लोग, हमारे जनता उस पानी में डेली सुबह और शाम चलते हैं। फ़र्क इतना है कि कोई न्यूज में नहीं आता है, यही फ़र्क है। MIM कोई पार्टी नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता से बनता है, कार्यकर्ता से संगठन होता है, संगठन से पार्टी चलती है। यहाँ पर न कोई MIM का कार्यकर्ता है, न कोई संगठन है, न कोई पार्टी है। ये लोग होने के बाद भी आपको सम्मान नहीं दिया। पूर्व विधायक दो आप लोगों के नज़र के सामने में है, आप लोगों के नज़र के सामने में है कि मैं जब पूर्व विधायक यहाँ पर था, पूर्व विधायक रहने के बाद आप लोग देखे होंगे कि MIM के जितने भी बड़े लोग हैं, वरिष्ठ नेता लोग हैं, इन लोगों पर बहुत सारे लोगों ने मैंने चप्पलों से स्वागत किया, लोगों ने यहाँ पर जूतों से स्वागत करने का काम किया, लोग गालियाँ दिए। लेकिन आपको याद होगा कि कमरुल हुदा विधायक बनने के बाद भी, 11 महीना का विधायक रहने के बाद भी किसी ने कमरुल हुदा पर उंगली नहीं उठाया, इसलिए कि कमरुल हुदा जमीन बेचने का काम नहीं करता है। कमरुल हुदा अगर राजनीति किया है तो जमीन बेच करके राजनीति कभी नहीं किया है। कमरुल हुदा राजनीति किया है इंसानियत का, कमरुल हुदा राजनीति किया है विकास के लिए, कमरुल हुदा राजनीति किया है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए। आप लड़ेंगे इसलिए RJD में आया आपके? जी नहीं, अभी चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, 2025 में विधानसभा है और 2024 में लोकसभा है। अभी क्या होगा, कहाँ पर किधर क्या पलटेगा, क्या राजनीतिक संभावना आएगी, वो तो कल की बात है। आज हम राजद ज्वाइन किए हैं और राजद ज्वाइन करने का मुख्य कारण है कि हमारे इलाके में जो पुल पुलिया का काम है या जो विकास से संबंधित काम है, उस काम को
हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल करके, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से मिल करके, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चाहेंगे कि हमारे इलाके में विकास हो, विकास का काम हो। चुनाव तो बाद की बात है, नहीं किसी तरह की ये संभावना है, ये संभावना किसी तरह की कोई प्रलोभन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने कभी जमीन का सौदा नहीं किया है, मैं किसी प्रलोभन के वजह से नहीं आया है। मैंने इलाके के लोगों की भलाई के लिए, इलाके के लोगों की राय मशवरा से, इलाके लोगों की बात सुन करके, इलाके के लोगों ने कहा कि राजद ज्वाइन कीजिए, राजद में ज्वाइन करने के बाद ही हम लोगों को भलाई मिल सकती है।